ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी जान बचा के एक चर्च में शरण लेता है। अब उस चर्च की नन उसके साथ क्या करती है, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2007 में रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी जिसका नाम है वर्जिन टेरिटरी। तो मूवी की स्टार्ट होती है इटली से। ये वो समय था जब पूरा इटली ब्लैक डे के चपेट में था। हम देखते हैं एक आदमी को जो चर्च में पेंटिंग कर रहा था। वो कहता है वो इस चर्च में बहुत टाइम से काम कर रहा है लेकिन अभी तक उसे कोई भी पैसे नहीं मिले हैं, इसीलिए वो फादर के पास पैसे मांगने जाता है। पर तभी उसे पता चलता है कि प्लेग की वजह से फादर की मौत हो चुकी है। ये देख के वो आदमी बहुत निराश हो जाता है क्योंकि अब उसे उसके पैसे नहीं मिलेंगे। तभी उसे वहाँ पड़ी फादर की ड्रेस दिखती है और वो तय करता है कि अब वो फादर बन जाएगा। इसके बाद हम लॉरिजोन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो जर्मिनो नाम के एक आदमी से बचकर भाग रहा था क्योंकि जुए में जॉनी जर्मिनो को बहुत बुरी तरह से हराया था। अब यहाँ तो लॉरिजो किसी तरह से बच के भाग जाता है पर जर्मिनो अपने आदमी को ये आदेश देता है कि कैसे भी करके उसे पकड़ लिया जाए। जब लॉरिजो अपने दोस्तों से मिलता है तब वो लॉरिजो को शहर से बाहर भेज देता है क्योंकि जर्मिनो के आदमी उसे ढूंढ रहे थे। इसके बाद हम पेम्बिया नाम की एक राजकुमारी को देखते हैं। पेम्बिया के माता पिता की प्लेग के चलते मौत हो चुकी थी इसलिए वो बहुत दुखी थी। तभी वहाँ जर्मिनो आता है। पेम्बिया का इस दुनिया में अब कोई भी नहीं था इसीलिए अब जर्मिनो उसका फायदा उठाना चाहता था। वो उसे पूछता है कि अब तुम क्या करोगी। तब पेम्बिया उसे बताती है मैंने रशिया के राजकुमार चर्चिस को ये वादा किया है कि मैं उसी से शादी करूंगी। तब जर्मिनो उसे बताता है कि तुम्हारे फादर ने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, अब उनके मरने के बाद उनकी सारी दौलत पे सिर्फ मेरा हक है। वो बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ ये घर बचा है, अगर तुम ये घर अपने पास रखना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। दूसरी तरफ लॉरिजो अपनी जान बचाकर भाग रहा था क्योंकि जर्मिनो के आदमी उसके पीछे पड़े थे। तभी रास्ते में लॉरिजो को एक आदमी मिलता है जो एक डेड बॉडी लेकर जा रहा था। लॉरिजो उस मरने वाले आदमी के बारे में पूछता है। तब वो आदमी बताता है कि ये गूंगा बहरा था और पास के चर्च में माली का काम करता था लेकिन प्लैंक के चलते इस आदमी की मौत हो गई। ये सुनकर लॉरिजो को ख्याल आता है कि अगर ये आदमी मर गया है तो वहाँ दूसरे आदमी की जरूरत तो होगी ही, इसलिए वो गूंगा बहरा बन के उस चर्च में रह सकता है और इस तरह से वो जर्मिनो से भी बचा रहेगा। वो जर्मिनो के आदमी को देख के पेड़ पे चढ़ जाता है और वो आदमी आगे निकल जाते हैं लेकिन तभी पेड़ की टहनी टूटती है और वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद कुछ नर्स लॉरिजो के पास आती है और उसे उठा के चर्च में लेके आती है। वो नर्स इतनी प्यासी थी कि लॉरिजो को देख के वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पा रही थी, उसे गंदी तरह से टच करने लगती है। लॉरिजो को भी अब होश आ गया था पर वो बस बेहोश होने का नाटक कर रहा था क्योंकि उसे भी ये सब अच्छा लग रहा था। तभी वहाँ नंच की हेड आती है। ये दोनों नंच उसे बताती है कि ये आदमी एक गूंगा बहरा है। ये सुन के हेड बहुत खुश होती है कि उन्हें चर्च के काम के लिए एक गूंगा बहरा ही आदमी चाहिए होता है और वो लॉरिजो को काम पे रख लेती है। लॉरिजो नहा रहा था कि उसके पास दो नंच आती है, वो लॉरिजो के साथ नहाने लगती है। लॉरिजो भी गूंगा बहरा होने का नाटक करता है। दरअसल नंच इसीलिए गूंगे बहरे को काम पर रखती थी ताकि वो उनके साथ जो भी करे वो बाद में किसी को पता ना सके। इसके बाद हम पेम्पिया को देखते हैं जो जर्मिनो से परेशान होकर एक चर्च में रहने चली जाती है। ये वही चर्च था जिसमें लॉरिजो काम कर रहा था। जब दो नर्स पेम्पिया को ड्रेस बना रही थी तब उसकी नजर लॉरिजो पे पड़ती है और वो नर्स से पूछती है कि ये लड़का कौन है। नर्स बताती है कि ये गूंगा बहरा है और इस चर्च में माली का काम करता है। जब लॉरिजो अपना काम कर रहा था तभी एक नर्स उसे अपने पास बुलाती है और दोनों झाड़ियों के पीछे चले जाते हैं लेकिन ये सब पेम्पिया देख लेती है और उसे जलन होने लगती है क्योंकि वो भी लॉरिजो को पसंद करने लगी थी। यहाँ राजकुमार जॉर्जोसी भी महल में पहुंच चुका था पर जर्मिनो उसे कहता है पेम्पिया मुझसे शादी करने वाली है। ये सुनकर जॉर्जोसी वहाँ से जाने लगता है पर बाहर एक आदमी उसे बताता है कि पेम्पिया कई दिनों से उसका दूसरे शहर में इंतजार कर रही है। ये सुनकर जॉर्जोसी अब उस शहर के लिए निकल पड़ता है। यहाँ दो नर्स लॉरिजो के पास आती है। दरअसल अब उन्हें पता चल गया था बाकी की नर्स लॉरिजो के साथ क्या क्या करती है और वो भी लॉरिजो के साथ वही करना चाहती थी। लॉरिजो भी इसके लिए मान जाता है। धीरे धीरे पेम्पिया अब लॉरिजो को पसंद करने लगी थी और उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। एक दिन पेम्पिया लॉरिजो को गाना गाते हुए देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि लॉरिजो गूंगा बहरा तो नहीं है। एक दिन पेम्पिया अकेले लॉरिजो के पास आती है और वो लॉरिजो के आंखों पर पट्टी बांधती है और उसके बाद अपना नकाब उठाकर कहती है कि वो उससे प्यार करती है और वो शादी करने के लिए भी तैयार है। पेम्पिया लॉरिजो को किस भी करती है और उसके बाद चली जाती है पर आंखों पर पट्टी होने की वजह से लॉरिजो ये पहचान नहीं पाता लड़की कौन थी। अब कुछ दिनों बाद पेम्पिया का वहाँ से जाने का टाइम आता है लेकिन जाने से पहले वो हेड को बता देती है लॉरिजो गूंगा बहरा नहीं है, वो बस नाटक कर रहा है। दरअसल पेम्पिया लॉरिजो को किसी और के साथ नहीं देखना चाहती थी। ये सुनकर हेड बहुत गुस्सा हो जाती है और वो लॉरिजो को उस चर्च से बाहर निकाल देती है। जब पेम्पिया अपने घर लौट रही थी तब बाहर उसे लॉरिजो मिलता है। वो कहता है मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो। अब पेम्पिया तो उसे पहले से ही पसंद करती थी इसीलिए वो उसे अपने साथ ले लेती है। इसके बाद हम जॉर्जोसी को देखते हैं जो पेम्पिया को ढूंढ रहा था। तभी वो एक लड़की को देखता है और वो उससे बातें करने लगता है। वो उस लड़की से पूछता है क्या तुम पेम्पिया को जानती हो, क्योंकि मैं रशिया का राजकुमार हूँ और मैं पेम्पिया से शादी करने वाला हूँ। ये सुनकर वो लड़ती है मैं ही पेम्पिया हूँ। तो जॉर्जोसी भी मान लेता है यही पेम्पिया है क्योंकि उसने पहले कभी पेम्पिया को नहीं देखा था। यहाँ पेम्पिया
मिया लॉरेंजो को लेकर घर पहुंचती है। बातों बातों में लॉरेंजो बताता है कि जिस चर्च में वो काम करता था वहाँ उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। वो कहता है उस लड़की ने उसके आंखों पर पट्टी बांध के उसे किस किया था और ये भी बताया था कि वो उससे प्यार करती है। ये सुनकर पेम्पिनिया समझ जाती है कि लॉरेंजो भी उससे प्यार करता है। पेम्पिनिया लॉरेंजो से पूछती है कि तुम उस लड़की को कैसे पहचानोगे। तब लॉरेंजो कहता है मैं किसी न किसी तरह से उस लड़की को ढूंढ लूंगा। अब यहाँ पेम्पिनिया उसे बताने जा रही थी कि वो ही वो लड़की है। तभी वहाँ जर्मिनो आ जाता है। वो लॉरेंजो को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और उसे अपने साथ लड़ने की चुनौती देता है, पर लॉरेंजो उसके सामने टिक नहीं पाता। वो लॉरेंजो को मारने ही वाला था कि तभी पेम्पिनिया उसे रोकते हुए कहती है अगर लॉरेंजो को कुछ भी हुआ वो उससे कभी शादी नहीं करेगी। ये सुनकर जर्मिनो लॉरेंजो को नहीं मारता और उसे कैद खाने में बंद कर देता है। अगले दिन पेम्पिनिया जर्जिनो से कहती है कि कल वो उससे शादी करने वाली है लेकिन उसे लॉरेंजो को छोड़ना होगा। जर्मिनो उसकी बात मान लेता है। वो लॉरेंजो को छोड़ देता है और अपने दो आदमी को फादर को लाने भेजता है। जब फादर आता है तब पेम्पिनिया उसे पैसे देते हुए कहती है कि उसे ये शादी नहीं करनी, इसलिए जितना हो सके उस शादी को डिले करवा दे। तो फादर कहता है कि ठीक है, पर ये वही आदमी था जो चर्च में पेंटिंग का काम करता था। दूसरी तरफ जर्मिनो के दो आदमी लॉरेंजो को लेकर जंगल में जा रहे थे, पर यहाँ उनका प्लान लॉरेंजो को मारना था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते वो उन्हें पछाड़ देता है। लॉरेंजो देखता है कि जर्जस्की पेम्पिनी के पास जा रहा है, इसलिए वो भी उसके पीछे जाता है। जहाँ वो देखता है जर्मिनो पेम्पिया के साथ जबरदस्ती शादी कर रहा है। तभी वहाँ जर्जस्की भी आ जाता है और उसके पास गन भी थी। गन देख के जर्मिनो डर जाता है और भागने लगता है। लॉरेंजो और जर्जस्की मिलकर जर्मिनो के आदमी को मार देते हैं। आखिर में लॉरेंजो जर्मिनो को भी मार देता है। पेम्पिना जर्जस्की से कहती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती, कि वो लॉरेंजो से प्यार करती है। ये कहकर वो अपना नकाब हटाती है। जब जर्जस्की पेम्पिना का चेहरा देखता है तब वो कहता है कि तुम वो पेम्पिनिया नहीं हो जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। तभी वहाँ वो लड़की आती है जो जर्जस्की को झील पर मिली थी। दरअसल ये पेम्पिनिया की फ्रेंड मालिसनी थी। मालिसनी को देखकर जर्जस्की कहता है कि यही मेरी पेम्पिनिया है और मैं इसी से शादी करूंगा। एंड में पेम्पिनिया लॉरेंजो के पास जाती है और उसे शादी के लिए प्रपोज करती है, पर लॉरेंजो कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूंगा। ये सुनकर पेम्पिनिया कहती है ठीक है, पर तुम मुझे एक किस करो। तो लॉरेंजो उसे एक किस करता है और वो समझ जाता है कि पेम्पिनिया ही वो लड़की थी जिसने उसे चर्च में किस किया था। और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।